हाय एवरीवन, आज हम सिविल साइट इंजीनियर वर्क के बारे में जानेंगे, यानी कि अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं तो साइट पे आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, सो आज हम सिविल बिल्डिंग साइट इंजीनियर वर्क के बारे में जानेंगे। ओके सो दोस्तों, फर्स्ट हमारा वर्क है कन्वर्ट डिज़ाइन इंटू रियलिटी, यानी कि साइट पे हमारे पास एक ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग में बिल्डिंग की सारी डिटेल दे रखी हुई होती हैं और उसे हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि वो पूरी बिल्डिंग हमें सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट जो भी डिटेल ड्राइंग में दी जाती है सेम टू सेम उसको हमें प्रिपेयर कराना होता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग है और ये रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि इस ड्राइंग के माध्यम से ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। ओके, यानी कि ड्राइंग को रियलिटी में कन्वर्ट किया गया, ये साइट इंजीनियर का मेन वर्क होता है। ओके, सेकेंड वर्क की बात करते हैं तो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, डेली वर्क प्लान, आपको डेली वर्क प्लान तैयार करने होंगे, कौन सा वर्क आपको कराना है ये सारी चीज आपको डिसाइड करनी होगी। ओके, सेकंड बात करते हैं डेली लेबर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपकी साइट पे कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है ये आपको एक दिन पहले डिसाइड करना होगा। ओके, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि साइट पे कितने मटेरियल की हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ हमें डिसाइड करनी होगी। रियल यानी कि साइट पे हमें जो जो मटेरियल चाहिए, जैसे सेंट, एग्रीगेट, स्टील, उनकी कितनी ज़रूरत है ये सारी चीज़ की हमें लिस्ट बना के अपने पास रखनी होगी। ओके, साइट पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारा मटेरियल हमें मंगाना पड़ेगा। ओके, थर्ड बात करते हैं सुपरविजन ऑफ टेक्निकल वर्क, यानी कि साइट पे जो टेक्निकल वर्क होते हैं उसको आपको सुपरविजन करना पड़ेगा, उसको हमेशा रीचेक करना पड़ेगा, जैसे ऑटो लेबल का जो वर्क है, जीपीएस का जो वर्क है और टोटल स्टेशन का वर्क है। ओके, इसके साथ साथ लैपिंग जोन होगी, कॉलम की रेनफोर्समेंट हो गई, एक्सिबिशन वर्क हो गई, ये सारी चीज आपको टाइम टू टाइम चेक करनी होगी। ओके, फोर्थ वर्क की बात करते हैं प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस, यानी कि साइट सुपरवाइजर को, लेबर को, कॉन्ट्रेक्टर को समय समय पर आपको टेक्निकल एडवाइस देनी होगी। ओके, ताकि वर्क की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। ओके, फिफ्थ वर्क की बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, लेबर कॉन्ट्रेक्टर मैनेजमेंट मटेरियल एंड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लेबर कॉन्ट्रेक्टर यानी कि साइट पे कितने लेबर की जरूरत है इसका मैनेजमेंट आपको रखना होगा, कॉन्ट्रेक्टर के पास डेली वर्क होना चाहिए इसका मैनेजमेंट आपको डेली रखना होगा। ओके, इसके साथ साथ मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल यूज की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको अपनी पास रखनी होगी। सिक्स नंबर की बात करें तो चेक ऑल टाइप कॉन्ट्रेक्शन वर्क ऑन कास्टिंग टाइम एज पर ड्रॉइंग, यानी कि जिस समय कॉलम बीम स्लैब की कास्टिंग हो रही हो उस समय टाइम टू टाइम आपको अलाइनमेंट चेक करना होगा एज पर ड्राइंग, ड्राइंग में जो भी साइज दे रखी है वो सारी चीज आपको चेक करनी होगी। ओके, सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ओके, बाय। इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ड्राइंग, डिज़ाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं।